हाउ टू फाइंड योर पैशन, अपनी जिंदगी में एक जुनून कैसे ढूंढें, ये शायद सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप शायद अपने आप से पूछें अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर सक्सेसफुल इंसान आपको यही बोलेगा कि कुछ ऐसा करो जिसमें आपके अंदर जुनून हो, लेकिन शायद बहुत रेयरली कोई आपको बताए कि ये जुनून या ये पैशन कैसे ढूंढा जाता है। ज़्यादातर लोग मुझे साफ साफ बोलते हैं कि उनके तो कोई पैशन है ही नहीं। वो कहते हैं या तो मैं अपनी बोरिंग जिंदगी जीता हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, वापस आता हूँ, अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं कुछ अलग करता ही नहीं हूँ, तो मैं अपनी जिंदगी में कोई भी पैशन कैसे ढूंढ सकता हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि अपना पैशन कैसे ढूंढना जा सकता है, और शायद ये जवाब आपने कभी और नहीं सुना हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान, और आज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन हाउ डू आई फाइंड माई पैशन, इसको आप पूछना बंद कर दीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सवाल है कि इसके बारे में सोच के ही आप थक जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि शुरू कहाँ से करें। तो इसीलिए मैं आपको एक बेहतर सवाल बताता हूँ जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, और वो ये है कि किस चीज में मैं अपने आप को एंगेज पाता हूँ, किस चीज में मैं एकदम मग्न हो जाता हूँ कि मुझे समय का ध्यान रहता ही नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं एक लड़के को जानता था जिसको प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। हम सब लोग कॉलेज में वही सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, और जब भी कोई प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता था तो कुछ लोग सॉल्व करने की कोशिश करते थे और कुछ लोग हाथ खड़े कर देते थे। लेकिन ये इंसान हमेशा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी उसके बारे में सोचता रहता था, वो ऑनलाइन जाके उसके बारे में पढ़ता था, वो नए नए तरीके निकालता था उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये लड़का जब भी प्रोग्रामिंग के बारे में सोचता था वो उसमें एकदम मग्न हो जाता था और उसको टाइम का कोई भी ख्याल नहीं रहता था। तो क्या अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये लड़का प्रोग्रामिंग के बारे में पैशनेट था? शायद, लेकिन इससे बेहतर तरीका ये होगा कि प्रोग्रामिंग से वो एंगेज होता था। तो पहली चीज है कि आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीज आपको एंगेज करती है। क्या वो खाना पकाना है, क्या वो ड्रॉइंग करना है, क्या वो फोटोग्राफी है? अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ज्यादातर टाइम ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही चीज आपको नहीं मिलेगी जो आपको एंगेज करेगी, काफी बार आपको कई सारी चीजें लगेंगी जो आपको एंगेज करेंगी। और अब आपको अपने आप से एक और सवाल पूछना होगा कि आप किस चीज में एक्चुअली अच्छे हैं। क्या आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं, क्या आप पढ़ाई करने में अच्छे हैं, या आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करते हैं? तो मान लीजिए कि आपको कुकिंग बहुत ही एंगेजिंग लगता है और आप बहुत अच्छे हैं प्रोग्रामिंग करने में, तो हो सकता है कि आप इन दोनों चीज को मिला के एक ऐप बना सकते हैं जो आपको नए नए खाने की रेसिपी बताएं। या हो सकता है कि आपको कुकिंग बहुत पसंद हो और आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हैं, तो आप टेलीविजन पे एक कुक शो होस्ट जैसे कुछ बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए अपना पैशन समझने के लिए, वो ये है कि आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं अगर पैसे जैसी कोई चीज होती नहीं, या आप क्या करना चाहते हैं अगर आपके पास पूरी दुनिया के सारे पैसे होते हैं। अब हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसमें मैं एंगेज फील करता हूँ, मुझे कुछ करने का मन करता ही नहीं है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा चीजें ट्राई करी ही नहीं है। तो इसीलिए आपको और चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, नई नई चीजें ट्राई करिए। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मुझे हमेशा बुक्स पढ़ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में और फिलोसफी के बारे में बहुत ही एंगेजिंग लगता था, लेकिन मुझे कभी भी वीडियोस बनाना कुछ खास पसंद नहीं था। मुझे वीडियोस बनाना कभी भी एंगेजिंग नहीं लगा और मुझे तो ये बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन बात तो ये है कि जब भी आप कोई नई चीज करना शुरू करेंगे वो चीज आपके लिए बहुत मजेदार नहीं होगी, क्योंकि आप उसमें अच्छे नहीं होंगे। आपको वो चीज थोड़े टाइम तक करते रहना होगा और ईमानदारी से उस चीज पे मेहनत करनी होगी एटलीस्ट एक महीने तक। तो इसी तरीके से जब मैं वीडियोस बनाता गया एक महीने तक, तो मैंने देखा कि यार मैं इम्प्रूव तो कर रहा हूँ और मुझे धीरे धीरे वीडियोस बनाना पसंद आने लगा, और अब ये मेरे लिए एक चैलेंज बन गया और एक तरीके से मैं एंगेज हो गया वीडियोस बनाने में, और धीरे धीरे यही मेरा पैशन बन गया। इसी तरीके से आपको भी और नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि एक बार में एक ही चीज ट्राई करिए और उसको पूरी मेहनत से ईमानदारी के साथ एटलीस्ट एक महीने तक करिए, और अगर तब भी वो आपको पसंद आए तो आगे बढ़ के दूसरी चीज ट्राई करिए। धीरे धीरे आप कोई ना कोई चीज ढूंढ लेंगे जो आपको बहुत पसंद आए, और अगर आप उसको काफी टाइम तक करते रहेंगे तो वही आपका पैशन बन जाएगा। तो यहां मैं आपको सबसे बड़ा लेसन बताता हूं इसी वीडियो का, कि आप कभी भी पैशन से शुरुआत नहीं करते हैं, आपकी शुरुआत होती है सिर्फ एक इंटरेस्ट से। वो इंटरेस्ट प्रैक्टिस के साथ एक स्किल बन जाएगा, और वो स्किल अगर आप और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वही आपका पैशन बन जाएगा। अब हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि आपका पैशन ही ढूंढना सबसे बड़ी चीज नहीं है। कोई गारंटी नहीं कि अगर आप पैशन ढूंढ लेंगे तो आप जिंदगी में बहुत खुश और सक्सेसफुल बन जाएंगे। अपना पैशन ढूंढने के बाद आपको तब भी बहुत मेहनत करनी होगी,
और हाँ एक और चीज, अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं अपने पैशन से, तो आपको जरूर ये समझना होगा कि आपके पैशन के लिए कोई मार्केट है भी या नहीं। अगर आप पैशनेट हैं हर रोज क्रिकेट मैचेस देखने में, तो हो सकता है आपको ये पसंद तो आता हो, लेकिन शायद कोई तरीका नहीं जिससे आप ये पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उस पैशन को एक और स्किल के साथ कंबाइन करें जैसे पब्लिक स्पीकिंग, तो हो सकता है आप क्रिकेट कॉमेंटेटर बन जाएं और आप वैसे पैसे कमा लें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता आपको खुश करने के लिए। इस दुनिया में काफी ऐसे पैशंस हैं जिनको आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपका पैशन यूजलेस है। आप जिस भी चीज के बारे में पैशनेट हैं वो आपको करना चाहिए, चाहे आपको उसके लिए पैसे मिले या ना मिले। बस ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप और तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज करना जिसके बारे में आप पैशनेट हैं, यह आपको इन जनरल खुशी देगा और इससे आपकी जिंदगी को एक डायरेक्शन या पर्पस मिल जाएगा। और क्या पता, हो सकता है आप इस दुनिया में पहले ऐसे इंसान हो जो अपने पैशन से एक नया तरीका निकाले पैसे कमाने का। पॉइंट यहाँ पे ये कि आपको क्रिएटिवली समझना होगा कि आप अपने पैशन से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप ये नहीं भी कर पाए, तो जो भी चीजें आपको पसंद आती हैं, जैसे गार्डनिंग या क्रिकेट खेलना, जो भी चीजें आपको खुश करती हैं, वो आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको ये जिंदगी के और एरियाज में हेल्प करेगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये छोड़ दीजिए सोचना कि आप किस बारे में पैशनेट हैं, इस बारे में सोचिए कौन सी चीज आपके दिमाग को एंगेज करता है, क्या चीज करते हुए आप समय के बारे में भूल जाते हैं। आपको या तो समझ में आएगा कि आपको बहुत सारी चीजें एंगेज करती हैं, या आपको कोई भी चीज एंगेज नहीं करती है। अगर आपको बहुत सारी चीजें एंगेज करती हैं, तो समझिए कि आपकी स्किल्स क्या है, और फिर ये सोचिए कि आप अपने इंटरेस्ट और अपने स्किल्स को कैसे मिला सकते हैं। और अगर आप किसी भी चीज से एंगेज नहीं होते हैं, तो नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करिए और हर चीज को ईमानदारी के साथ मेहनत से ट्राई करिए। एक बार जब आपको कोई चीज मिल जाए जिस बारे में आप पैशनेट हो, तब फिर सोचिए कि आप उस चीज से पैसे कमा सकते हैं या नहीं। अगर हाँ, तो फिर वही चीज करना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं, तो या तो कोई तरीका ढूंढिए उस चीज से पैसे कमाने का, या उसको साइड में अपने फ्री टाइम में करते रहिए और उससे आप वैसे ही खुशी निकाल सकते हैं। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि आपका पैशन कोई जादू की छड़ी नहीं है। अंत में आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। बस पैशन होना आपके लिए वो मेहनत करना थोड़ा और आसान बना देता है। मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद की। अगर आपको पता है कि आपका पैशन क्या है, तो जरूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। लाइक बटन क्लिक करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।